हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अलार्म रिंगटोन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना हो, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट पर जाएंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको अलार्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोबारा से अलार्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि अलार्म रिंगटोन दी जा रही है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाली कर लेता हूँ या फिर ये कर लेता हूँ। तो मैं ये कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, आपकी रिंगटोन चेंज हो जाएगी अलार्म रिंगटोन। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।